प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, आपके आज के वीडियो के माध्यम से संधि का जो टॉपिक है वो है अपना चतर संधि। चतर संधि का जो सूत्र है वो खरी परे झलाम चरे शु, खरी परे झलाम चरे शु, ये सूत्र है। इसका मतलब ये है, खरी परे, परे का मतलब है प्लस से इधर, खर खर प्रत्याहार के वर्ण हो, खर प्रत्याहार के अंदर वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण परे हो तो झलाम चरेशु, तो झल जो वर्ण है, झल जो वर्ण के प्रत्याहार के वर्ण हैं वो हैं पहला दूसरा, किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, उसकी जगह क्या हो जाएगा चर, चर का मतलब उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है कि जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का है, चाहे क वर्ग का है, चाहे च वर्ग का है, चाहे ट वर्ग का है, किसी भी वर्ग का है, तो संधि करते समय उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी वर्ग का पहला वर्ण होगा। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का क हो जाएगा, च वर्ग का च हो जाएगा, टय वर्ग का टय हो जाएगा, तय वर्ग का तय हो जाएगा और पय वर्ग का पय हो जाएगा। जैसे एक अपने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है उदाहरण, सद प्लस कार है, ये है अपने पास। अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों देखो कि सद प्लस कार, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय वर्ग का दकार है, तय है, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण है जो क वर्ग का क है। तो इसमें दिया है कि जब दूसरे शब्द का मतलब खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो पहले जो शब्द का अंतिम वर्ण है दकार, दकार जो क्या हो जाएगा उसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी तकार हो जाएगा। उपयुक्त पदों में दूसरे पद का पहला वर्ण खर प्रत्याहार कह का वर्ण है, प्रत्याहार का वर्ण कह है, तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय वर्ग का दकार है, तो उसी की जगह दकार का तकार होकर सत्कार शब्द बना है। प्रिय विद्यार्थियों, उसी वर्ग का पहला वर्ण होगा जसत्व में, और इसमें क्या है, जसत्व में तीसरा होता है संधि करते समय, और चतर में क्या होता है कि पहला होता है। खरी परे झलाम चरेशु, यानी प्रत्येक वर्ग का, किसी भी जिस वर्ग का वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का है, तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा संधि करेंगे जब। जैसे इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे आपको बताया जाए, जैसे उदाहरण इसके और उदाहरण है, जैसे जैसे विपद काल है, ये उदाहरण है, यहां पर ये द है, दकार है, तो इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा तकार, द हो जाएगा, इसलिए क्या बन गया ये वी पै तय काल है, विपद काल है, ये बना। जैसे दूसरा है, जैसे आगे और हैं, जैसे और दूसरे हैं, उद प्लस पन्न है। अब ये खरी परे, यानी इधर से इधर, खरी परे, परे को मतलब दूसरी तरफ, खर प्रत्याहार का वर्ण प है, खर प्रत्याहार का वर्ण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वो इसमें प है, तो झल का ये झल है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, तय वर्ग का दकार, तो झल का क्या हो जाएगा चर, चर माने इसी वर्ग का, इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, यानी तय हो जाएगा, तय, तो क्या बनाइए उत्पन्न है। ऐसे उदाहरण है उत्कर्ष, उत्थान, उत्थान, उत्कंप है, उत्कंप है, संपत समय, संपत समय इत्यादि जो शब्द हैं ये चतुर संधि के उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये देखिए
कि चतर संधि में तीसरे वर्ण का पहला वर्ण होता है, विच्छेद करते समय पहले वर्ण की जगह तीसरा और संधि करते समय तीसरे का पहला। जैसे आपको इसमें इस उदाहरण में बताया है, इस उदाहरण में भी और इस उदाहरण में भी, और अन्य जो उदाहरण हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं जिनका आप करके देख सकते हैं जो इसी नियम के अनुसार, तो ये उदाहरण आपके, तो इन उदाहरणों को आप खुद विच्छेद करके या संधि करके देख सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। आज का टॉपिक यही रहेगा, चतुर संधि समाप्त।